स्टूडेंट्स, आज एसएससी क्लास 10 ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज लेक्चर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से आगे हम बतला रहे हैं। मेरा नाम विनय पांडे हुआ। आपने लेक्चर 1, 2, 3 देख लिया होगा, उसके आगे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा। आप लोग मेहनत करते रहे, मैं सॉल्यूशन डालते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है LHS 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A दैट इज इक्वल टू, हमको इसे रेशनलाइज करना है 1 माइनस cos A जो लाना है उसके नीचे, इधर नीचे में डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos A है, 1 प्लस cos A है इसलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिए। 1 प्लस cos A से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये नीचे इसका प्लस है तो यहाँ भी प्लस है 1, क्योंकि RHS में जो प्रूफ करना है उसका डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos A है। RHS में जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos A है, इसलिए 1 प्लस cos A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर आ गया, एक काम तो हो गया। ऊपर में ये माइनस भी, ए प्लस भी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो रूट हटेगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो साइन ए यू विल गेट साइन ए अपॉन 1 प्लस cos A, दिस इज RHS रूट। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, 42 क्वेश्चन नंबर 42 LHS है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए, इसीलिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यू विल गेट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू RHS रूट, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा। देन क्वेश्चन नंबर 43 LHS 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, कैंसिल 1 माइनस 1 माइनस साइन ए दैट इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल प्लस साइन ए, तो 1 1 कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल टू साइन ए इक्वल टू RHS रूट। देन क्वेश्चन नंबर 44 44 में है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए
इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए कैसे मैच कर रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर प्लस ये मैच कर गया तो ये रह गया, तो साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कैसे टू साइन ए अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर दैट इज टू साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू टू साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए, तो दैट इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। अच्छा इसमें कॉस स्क्वायर ए है तो इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है टू साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए हो गया। आर एच एस रूट यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आया था, साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा टू साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए से, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एल एच एस है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, फिर प्लस है साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए दैट इज इक्वल टू एलसीएम जो ले लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, ये दोनों मैच करके रह गया ये, तो दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर या फिर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए, दैट इज प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर कैसे ए माइनस बी ए प्लस बी से, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, तो वन प्लस वन टू, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ टू हो गया और नीचे साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वन, साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू आर एच एस नीचे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 एल एच एस है कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस वन डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉस ए के
प्लस वन एलएचएस में, दैट इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए के, माइनस वन को हम लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब भी वन होता है। वन के प्लेस में ये लिखे, वन के प्लेस में इसको लिखे कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, कॉट ए प्लस कॉस ए के, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन। दो टर्म हो गया, एक माइनस के इधर एक माइनस के उधर, तो ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, ये कॉस ए के प्लस कॉट ए हम कॉमन ले लिए तो यहाँ वन रह गया, माइनस इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, ये दोनों सेम है, कॉट ए पॉजिटिव कॉस ए के नेगेटिव प्लस वन, आगे पीछे है बट सेम है, कट गया। तो जो आया वो आया तुम आपका वो आया कॉट ए प्लस कॉस ए के, कॉट ए प्लस कॉस ए के, कॉट ए मतलब कॉस ए बाय साइन ए, और कॉस ए मतलब भी वन बाय साइन ए, साइन ए एलसीएम ले लिए, यहाँ पर हो गया वन प्लस कॉस ए इक्वल टू आर एच एस रूट। नाउ क्वेश्चन 46 हो गया, 47 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में है साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस थीटा एलएचएस में, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे वन वन प्लस कॉस थीटा से, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा थीटा इंटू टेन थीटा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपको मिला टेन थीटा बाय साइन थीटा। तो नेक्स्ट वन बाय साइन थीटा आगे लिख देते हैं, ऐसे टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड देन वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो मिला वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, स्प्लिट स्प्लिट कर देंगे वन बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट कट के वन, और ये वन बाय कॉस थीटा तो सेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा, आर एच एस प्रूफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 LHS है cos theta into cot theta divided by 1 plus sin theta, ये LHS इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा से कर दिए, दैट इज इक्वल टू cos theta इंटू cot theta 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा मतलब cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा ये कट गया है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ स्प्लिट इट, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS। गुड, एक्सरसाइज 21A का सारा क्वेश्चन हो गया जो इस बुक में था, न्यू एडिशन के बुक में हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन रहे या कम क्वेश्चन रहे, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 10A प्लस से के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10A माइनस से के प्लस 1 लाना है, प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। LHS में यही है 10A प्लस से के 1 को हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, डिवाइड बाय 10A माइनस sec ए प्लस 1, 10A प्लस sec ए और ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, तो sec ए प्लस 10A इंटू sec ए माइनस 10A डिवाइड बाय 10A माइनस से के प्लस 1, ये माइनस के इधर एक टर्म है माइनस के उधर दूसरा टर्म है, 10A प्लस से के, 10A प्लस से के कॉमन ले लेंगे, 10A प्लस से के कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये कॉमन हो गया तो 1 हो गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस माइनस रह गया तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से के और माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस 10A, ठीक है, डिवाइड बाय 10A माइनस से के प्लस 1, तो ये दोनों मैच कर रहा है, 10A पॉजिटिव है, से के नेगेटिव है और 1 नहीं है पॉजिटिव है,
हो गया। तो आपको मिला टेन ए प्लस सेक है, टेन ए प्लस सेक है, टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस वन बाय कॉस ए। कॉस ए एलसीएम ले लेंगे तो वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए, वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए, आर एच एस रूट। तो स्टूडेंट्स आज का यहीं तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।